देख रहे हैं प्राइम स्टोरी। समाज कल्याण विभाग आमतौर पर गरीब लोगों की आर्थिक मदद के लिए जाना जाता है, पर उत्तराखंड का समाज कल्याण विभाग मुर्दर तक की सहायता करने के लिए तैयार रहता है। कैग के हाल ही में आई रिपोर्ट ने आजकल लोगों को हैरान कर रखा है, जहां समाज कल्याण विभाग मुर्दों के खाते में भी पेंशन का पैसा जमा करता रहा। इतना ही नहीं, समाज कल्याण विभाग मरे लोगों पर इतना मेहरबान रहा कि मुर्दों ने खातों से भी पेंशन निकाल दी और पूरा विभाग चुप रहा। करीब 5 करोड़ रुपए लगभग सरकार का पानी की तरह बह गया, जबकि गलत रिपोर्ट पेश करने पर सरकारी खजाने को 87 करोड़ का चूना लग गया। कैग की रिपोर्ट ने जहां उत्तराखंड सरकार और समाज कल्याण विभाग की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है, जिसमें समाज कल्याण विभाग ने मरे लोगों को पेंशन के रूप में 87 करोड़ रुपए बांट दिए, पर इस पर ना किसी अधिकारी और ना समाज कल्याण विभागीय मंत्री की नजर पड़ी। कैग की रिपोर्ट के अनुसार कई जगहों पर मरे लोगों के खाते में पेंशन डाली गई, वो भी एक नहीं पूरे 74 लोगों के, और एक दो महीने नहीं पूरे 6 साल 6 महीने तक। और कमाल तब हो गया जब मृतकों के खाते से पैसे भी निकाल लिए गए, पर किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। कैग की रिपोर्ट के अनुसार 2015 से 2018 के बीच 11,000 से ज्यादा पेंशन धारकों को तय सीमा से ज्यादा पेंशन भी डाली गई। कई पेंशन धारकों को दोहरी पेंशन दी गई। वहीं बिना किसी जांच के जो लोग इस पेंशन के पात्र ही नहीं थे उनको भी पेंशन दी गई, जबकि कई लोग ऐसे रहे जिनकी मासिक आय पहले से ही अच्छी है, उन पर भी समाज कल्याण विभाग मेहरबान रहा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कैग की इस रिपोर्ट आने के बाद अपनी प्रक्रिया देते हुए कहा कि अगर इसमें कोई वित्तीय अनियमितता जानबूझकर की गई है तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे सब इसको देखेंगे और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं कैग रिपोर्ट आने के बाद विपक्ष को अच्छा मौका दे दिया है और विपक्ष सरकार पर हमलावर हो गया। उत्तराखंड के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि कैग रिपोर्ट ने सरकार को आईना दिखाने का काम किया है और सरकार वित्तीय प्रबंधन में विफल साबित हुई है और इस सरकार के तमाम दावों की पोल खोल दी है। कहा कि हम सरकार से इसलिए ही लोकायुक्त लाने की बात कर रहे हैं, पर सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है, इसीलिए लोकायुक्त की नियुक्ति करने से सरकार बच रही है और इस रिपोर्ट ने सरकार को आईना दिखाया है। देखिए, इसमें अगर कोई अनियमितता हुई है और जानबूझकर हुई है तो किसी भी अधिकारी, कोई भी कितने बड़े स्तर का होगा, उस पर कार्रवाई की जाएगी। अभी उसको मैं स्वयं एक बार उसका अध्ययन करूंगा, मैं क्योंकि बाहर था और आज ही मैं आया हूं। लेकिन किसी भी अनियमितता करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। तो आईना दिखाने का काम किया है। कैग रिपोर्ट जो आई है उसमें सरकार वित्तीय प्रबंधन में पूरी तरीके से विफल हुई है और कई भ्रष्टाचार के खुलासे भी उसमें किए गए हैं, और इसीलिए हम लगातार कहते रहे इस सरकार से, जो नारा देती थी कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, भ्रष्टाचार रही सरकार, 100 दिन में लोकायुक्त आएगा। इसीलिए हम इस सरकार से कह रहे थे कि भाई लोकायुक्त लाइए। लेकिन सरकार जानती थी, उन्होंने घोषणा तो कर दी, मुख्यमंत्री ने कह तो दिया मुख्यमंत्री ने कि लोकायुक्त 100 दिन के अंदर लाएंगे, लेकिन सरकार जानती है कि पूरी की पूरी सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, इसलिए लोकायुक्त से उन्हें परहेज है। और कैग की रिपोर्ट ने जो है सरकार को आईना दिखाने का काम किया है।